वेलकम फ्रेंड सेल्फ अध्ययन पर। एमएस वर्ड के अंदर सपोज हमें इस तरीके की शेप्स बनानी है और नीचे की तरफ स्मार्ट आर्ट्स के ऑप्शंस हैं जो कि इंसर्ट टैब में होते हैं, वहां से हमें इस तरीके के स्मार्ट आर्ट बनाने हैं। तो ये जो टास्क है प्रैक्टिकल, एक बार हम प्रैक्टिकल देखते हैं। सबसे पहले शेप में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो शेप दी गई है वो डायरेक्टली आप अगर शेप में देखेंगे तो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि शेप के अंदर ऑप्शंस होते हैं। जैसे सपोज मैंने यहाँ से ले लिया है एरो क्वाड, और ये एरो क्वाड लेते हुए मैंने इस येलो पॉइंट से इसकी शेप को बदला, थोड़ा और ऊपर की तरफ गए, और बाकी के भी येलो पॉइंट से आप इस शेप को चेंज कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ से अब ये जो शेप है इस तरीके की बन चुकी है। इसके अंदर कलर आपको कैसा लेना है, आउटलाइन कलर कैसा लेना है, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। शेप आउटलाइन से यहाँ की इसी विड्थ को भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी शेप है इसमें सेट तरीके का एक सिंबल है। इंसर्ट के अंदर हमें जाना है, शेप पे हमें जाना है, और यहाँ से हमने एक स्माइली सिंबल लेते हुए उसको येलो पॉइंट से सेट में बदल दिया। अब इसके अंदर भी फिल जो कलर है वो येलो है, और साथ ही साथ अगर लाइट येलो है तो हम शेप फिल से भी डायरेक्टली ले सकते हैं। एंड देन उसके अंदर आउटलाइन जो है उसको हमें रखना है डैशेज में, डॉट में, तो ये आप यहाँ से बदल सकते हैं। आउटलाइन थोड़ी मोटी है तो आप वेट में जाकर उसका वेट भी बदल सकते हैं, और कलर की बात करें तो कलर आप ब्लैक जो भी रखना चाहें रख सकते हैं। तो दो शेप हमारी हो चुकी है। तीसरी शेप आप देखेंगे इस तरीके का हमारा जो शेप है वो डायरेक्टली हमें नहीं मिलेगी। अगर हम यहाँ से कोई शेप लेते हैं नीचे से, तो येलो पॉइंट से उसकी शेप को हम बदल सकते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पे शेप को बदल पाएंगे। कलर हमें जो लेना है उसके अकॉर्डिंग हम सेट कर लेंगे। चौथी शेप में आप देखेंगे एक रेक्टेंगल है, बट ये नीचे की तरफ से थोड़ा यहाँ पे कर्व में है, एंगल में है। तो हमें इस तरीके का शेप ढूंढना है और उसको फिर वहाँ से रोटेट करना है। जैसे डायरेक्टली हम देखें तो हमें यहाँ पर नहीं मिलेगा वो, उसी तरीके से हमें रोटेट करना होगा। ये वाला लिखा हुआ है फ्लो चार्ट मैनुअल इनपुट, इसको हमने बनाया और इसको यहाँ से रोटेट कर दिया, बट अभी भी ये इसके तरीके से नहीं बना क्योंकि ये बिविल टाइप है, इस पर इफ़ेक्ट लगा हुआ है। तो शेप इफेक्ट पे जाना है और बिविल के अंदर से आपको इसे बदल देना है। तो ये हमारी चार शेप बन चुकी हैं। डबल क्लिक करते हुए कर्सर हमारा नीचे आ जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे फ्लो चार्ट के अंदर से ही एक तरीके का शेप है जो कि हमें यहाँ से यूज़ करना है, और हम यहाँ से ले लेते हैं इसको ऊपर की तरफ और देखें फ्लो चार्ट पंच टेप। अगर यहाँ से देखें तो येलो पॉइंट इसमें नहीं है, इसे डिलीट कर देते हैं। दूसरी शेप है यहाँ से, वो हमें लेना है एंड देन येलो पॉइंट से उसे बदल देना है। ये हमें मिल चुकी है। कलर हमें ग्रीन करना है, ग्रीन के साथ साथ इसका जो शेप इफेक्ट है वो ग्लो है, और ग्लो हमें डाल देना है। ये बन चुकी है। उसके बाद एक एरो आपको दिखाई देगा। इंसर्ट के अंदर शेप पे ही जाना है आपको, एंड यहाँ से एरो को चूज़ करना है और इसको जो है आपको रोटेट कर देना है। रोटेट करने से वो एंगल इसका बदल जाएगा, एंड देन येलो पॉइंट से आप इसकी शेप को भी बदल सकते हैं। कलर वगैरह आप यहाँ से फिल आउट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से एक आप देखेंगे ऊपर वाला जो है उसकी शेडो दिख रही है नीचे की तरफ, जो कि हमने नहीं किया। तो यहाँ पे हम जाएंगे सेफ इफेक्ट के अंदर, रिफ्लेक्शन हमें डाल देना है, और ये देखिए रिफ्लेक्शन यहाँ पे आ जाएगा। अगेन यहाँ पे हमें शेप लेना है हर टाइप का, वो सिंपल है। हमने एक हर टाइप का यहाँ पे शेप लिया, एंड देन उसके अंदर शेप फिल के अंदर आपको जाना है टेक्सचर्स के अंदर, और यहाँ से डाल देना है टेक्सचर्स। उसके बाद हमारा एक तरीके का यहाँ पर एक और शेप है जो कि हमें मिलेगा, यहीं पर ही हमें ढूंढना होगा। यहाँ पर शेप के अंदर तो ज़रूर होना चाहिए क्योंकि जब हमने बनाया वर्ड में, ये मिल गया है हार्ट के बिल्कुल साइड में है लाइटिंग बोल्ट, एंड देन हमने इसे बनाया और इसको कर दिया है रोटेट। कलर वगैरह आप अपने नीड के अकॉर्डिंग यहाँ से चेंज कर लेंगे। तो ये हमारी शेप बन चुकी है एज इट इज़। हमें नीचे अब बनाना है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे दो कॉलम में बना हुआ है।
इंसर्ट के अंदर ही हमें दिखाई देगा एक स्मार्ट आर्ट ऑप्शन, जहाँ से हम अलग अलग तरीके के डायग्राम्स बना सकते हैं। तो नीचे की तरफ हम गए और हमने लिया यहाँ से हायरार्की लिस्ट। हायरार्की लिस्ट में हमारा हमने डेटा बनाया, सपोज़ मैंने अभी ओप्पो F17 डाल दिया। आप देखेंगे यहाँ पर जो स्मार्ट आर्ट है वो अलग है, वो बाद में चेंज हो जाएगी। हम सिंपली एक बार बना लेते हैं, उसको बाद में अलग अलग स्टाइल में ले सकते हैं। स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन में हम ऐड शेप ले लेते हैं। ऐड शेप लेने के बाद इसमें कंटेंट्स जुड़ जाएगा और फिर आसानी से हम इसके अंदर लिख सकते हैं। जैसे ओप्पो F17 लिखा एंड देन यहाँ पर मैंने लिखा ओप्पो F19। 16 MP, देन यहाँ पर लिखा है 24 MP, उसके बाद 64 GB, 128 GB और देन फाइनली इसमें लिखा है 6.2 इंच, 5.8 इंच। तो कंटेंट जो हमें लिखना है वो हमने ले लिया। अब हमें करना क्या है, फॉर्मेट के अंदर हमें स्टाइल तो नहीं मिलेगी, स्मार्ट आर्ट के अंदर यहाँ से लेआउट्स हम बदल लेंगे। जैसे नीचे की तरफ आप देखेंगे लेआउट्स बदल रहे हैं, कंटेंट्स आपका वही है, आपका लेआउट्स यहाँ से चेंज हो रहा है और यहाँ से आप इसके अकॉर्डिंग इसकी स्टाइल को भी बदल सकते हैं। तो एज़ पर हमारी जो स्टाइल दी गई है वो हमने यहाँ से बदल दी है। कलरिंग की बात करें तो चेंज कलर से आप अपने आप रैंडमली कलर्स यहाँ से बदल सकते हैं। तो ये हमारी बिल्कुल सेम बन चुकी है कलरिंग, आप अपने अकॉर्डिंग मैनुअल भर सकते हैं। अगले पेज पे चले जाएंगे, अगले पेज पे हमें फिर से बनाना है। देन अभी मैंने आपको ये बताया, बस इसमें एक कंटेंट आपको और एक्स्ट्रा ले लेना है एंड ये जो आप बनाएंगे इसी का स्मार्ट आर्ट यहाँ से बदल जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई हम इसमें एक और कंटेंट ऐड कर लेते हैं, सपोज़ मैंने यहाँ से स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन से ऐड शेप से एक और कंटेंट इसमें जोड़ लिया। अब अगर हम इसका स्टाइल वापस से पहले जैसा कर दें, ये देखिए ये वो बन गया जो मैंने आपको बताया अभी एंड देन ये वाला बन गया है तीसरे नंबर का। यानी कि आप एक बार स्मार्ट आर्ट स्टाइल बनाएंगे तो बाद में उसके लेआउट्स को अलग अलग बदल सकते हैं, कलरिंग भी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो ये थे छोटे से ऑप्शंस जिसमें हमने देखा इंसर्ट के अंदर शेप्स को और स्मार्ट आर्ट को कैसे यूज़ करते हैं। इस असाइनमेंट को आप प्रैक्टिस कीजिए, इसी के बेस पे आप अलग अलग शेप्स या अलग अलग यहाँ से लेआउट्स बना सकते हैं। मिलते हैं वर्ड के अगले वीडियो में।